हेलो एवरीवन, डीएसयू राउंड टू का रिजल्ट आ चुका है। सो जिनको भी अलॉटमेंट हो चुका है उनका पोर्टल इस तरह से कुछ दिखेगा। तो आपको क्या है, इस पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अगर आपके पोर्टल पे कोई अलॉटमेंट हुआ होगा तो आपको इस तरह से यहाँ पे एक अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन आ जाएगा और फीस के लिए यहाँ पे आएगा अगर आपने फीस पेमेंट कर दी है तो। सो डेट्स आपको पता ही होंगी कि आपके पास लास्ट डेट कब है ऑनलाइन पेमेंट करने की, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो ये सब आपको क्लियर है। वो काउंसलिंग का पूरा जो शेड्यूल दिया हुआ है वो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। अभी सिर्फ आपको ये बताना है कि जो राउंड टू का रिजल्ट है वो अभी आ चुका है। जिन लोगों को अलॉटमेंट हो चुका है उनको यहाँ पे पता चल जाएगा कि अलॉटमेंट लेटर का एक ऑप्शन आ गया होगा। जिनको अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला होगा वहां पे उनके प्रीव्यू फॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा नो सीट अलॉटेड इन राउंड वन, नो सीट अलॉटेड इन राउंड टू, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट का हमने जो लॉग इन किया यहाँ पे, हमने अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक किया तो अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके आएगा ये एप्लीकेशन आईडी, टाइप कौन सा था, कोर्स कौन सा है, कौन सा आपको कॉलेज कैंपस मिला हुआ है, ऑफी का स्टेटस क्या है, राउंड टू में मिला है, राउंड में मिला है, इस तरह से मिलेगा। आप इस पे यहाँ पे वी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है कंप्लीट डिटेल आ जाएंगी स्टूडेंट्स की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मेट आ रहा है वो आ रहा है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, सीबीए रिटेल मैनेजमेंट, पूसा कैंपस, कैटेगरी जो भी होगी आपकी। ये आपके पास न्यू अलॉटमेंट है, जो आपको फीस पे करनी है वो इतनी है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड अभी नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो ओवरऑल रैंक थी ये थी। तो इस तरह से आपको पता चल सकता है कि यहाँ पे आपके पास जो इस तरह से आपको जो अलॉटमेंट हुआ होगा उसका फॉर्मेट इस तरह से रहेगा, आप इस पर जाके देख सकते हैं। सो जिन लोगों को कॉलेज मिला हुआ है तो मेरा सजेशन ये है, अगर डीयू में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आईपीयू में कुछ अभी डिटेल्स नहीं आ रही है आपके पास, कॉलेज कब से स्टार्ट होगा, कुछ मैनेजमेंट कोटा का इशू चल रहा है, जैसे वो सॉर्टेड आओगे आपके पास क्लैरिटी आ जाएगी। फिलहाल हम किसी कैंपस में देखें तो कुछ प्रोग्राम तो डेफिनेटली अच्छे हैं। स्किल बेस्ड प्रोग्राम से मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, और आप में साथ में साथ प्रोग्राम के साथ इसमें इंटर्नशिप का मौका भी मिलता है। मतलब वीक में लगभग 3 दिन क्लासेस होती हैं और 3 दिन आप इंटर्नशिप ले जाते हैं। इस तरह इनका जो कोर्स स्ट्रक्चर बना हुआ है, और कैंपस आप जाके एक बार एडमिशन से पहले जरूर विजिट करें। कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, फैकल्टीज, पुराने स्टूडेंट्स का रिव्यू एक बार एडमिशन से पहले जरूर कन्फर्म करें। जहाँ तक फीस स्टेटस की बात है, आप इससे काउंसलिंग फीस जमा करा सकते हैं और बाद में भी अगर एडमिशन विड्रॉ करते हैं तो आपको वापस मिल जाएगी। तो घबराने वाले कोई बात नहीं है, फी आपकी सेफ रहेगी। खाली इंपॉर्टेंट ये है, अगर अभी भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है आपको और किसी अच्छे कॉलेज की तलाश में आप, तो दिल्ली में ये ऑप्शंस आपके लिए काफी अच्छे हो सकते हैं। आपको एक बार जरूर इन पे गौर करना चाहिए और एक बार कैंपस विजिट जरूर करें एडमिशन लेने से पहले, अगर आपके लिए फिजिबल है तो। नहीं तो आप ऑनलाइन रिव्यूज देख सकते हैं, आपसे कॉलेज के रिव्यूज कैसे हैं उनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, उसके ओवरऑल फीडबैक देख सकते हैं। अगर वो अच्छे लगते हैं तो आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी का वीडियो सिर्फ इसीलिए है कि आपके पास जो अलॉटमेंट टू है उसका रिजल्ट आ चुका है। जिन लोगों को अलॉट हो चुका है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इनको नहीं हुआ है उनके पास अभी एक और ऑप्शन है राउंड थ्री का, उसके बाद सीयूटी के बेसिस पे भी जो है रैंकिंग आएगी। इसके अलावा भी आईपीयू का भी बाकी है, तो ओवरऑल प्रोसेस चल ही रहा है। अभी डीयू का भी जो है आपको अभी थर्ड राउंड का जो है वो आना बाकी है, वो कल आ जाएगा आपके पास। सो अभी तक के लिए इतना ही। कुछ भी क्वेरीज है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।